साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है एक सोशल इशू के संबंध में बात करेंगे जो कि भूख से संबंधित है। जनसत्ता न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रकाशित है या संपादकीय प्रकाशित है जिसको चेतनादित्य आलोक जी ने लिखा है और इसका टाइटल है भूख, भुखमरी और भोजन की बर्बादी। इसमें मुख्यतः भारत के संबंध में बात की गई है। वर्ष 2023 की जो वैश्विक भूख सूचकांक 2023 की जो रैंकिंग है उसमें बताया गया है कि भारत जो है 125 देशों की सूची में भारत 111वें स्थान पे है। मतलब भारत की स्थिति जो है खाद्य सुरक्षा के मामले में वो बहुत ही खराब है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो इसी चीज के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। यह आर्टिकल आपके ये मेंस पेपर के दृष्टिकोण से देखें तो मेंस पेपर 2 जिसमें टॉपिक है गरीबी और भूख से संबंधित विषय, और मेंस पेपर 3 जिसमें गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी समृद्धि, यहां पर यह टॉपिक आपका आ जाएगा। इसके निबंध लेखन में भी इसके आप तथ्यों को या जो भी इसमें जानकारी है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एक अच्छा आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, यदि हम लोग भारतीय संस्कृति के बारे में बात करें तो भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भावेत् की भावना के साथ समस्त जीव जंतु के कल्याण की बात कही गई है। वहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना इस संपूर्ण वसुधा को ही एक परिवार के रूप में स्वीकार करती है। हमारी संस्कृति ने जीवन में एकल को स्वीकार करने, उसका मानवर्धन करने या उसकी ओर अग्रसर होने की बात नहीं सिखाई है, बल्कि एकल की जगह सकल को स्थापित करने का कार्य किया है। हमारे पूर्वजों ने व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व और प्राथमिकता दी है। हमारे ऋषि मुनियों के या हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया कि इस नश्वर संसार में मैं का कोई स्थान नहीं है। यहां तो हम के बिना मनुष्य के जीवन में कुछ होने ही वाला नहीं है। वैसे यह सच है कि मनुष्यता का ऐसा औदात्त भाव, संस्कारों की ऐसी तरलता, सरलता और ऐसी सांस्कृतिक गहराई दुनिया के किसी भी अन्य समाज, संस्कृति या धर्म में नहीं मिलती। जबकि हमारी संस्कृति में ये हमारी धमनियों में प्रवाहित रक्त के समान तथा हमारी श्वासों के साथ हमारी देह में प्रविष्ट करने वाली प्राणधारा के समान है। मगर क्या कारण है कि समस्त जीव जगत के कल्याण की चिंता करने वाला समाज आज स्वयं इतना लापरवाह, लाचार और गैर जिम्मेदार हो गया है कि अपने इर्द गिर्द के भय, भूख, तड़प, पीड़ा, संकट और समाधान से उसका कोई वास्ता ही नहीं रहा। आखिर यह कैसे संभव हुआ कि स्वयं से पहले दूसरों को भोजन कराने वाले इस समाज में देश के करोड़ों लोगों को आज भी 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के मुताबिक 28.7 अंक के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ओर से भोजन से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण रपटे आई है। इनमें एक भोजन की बर्बादी संबंधित है और दूसरी भोजन के अभाव और भुखमरी से जुड़ी है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने भोजन की बर्बादी वाली रपट को अधिक महत्व प्रदान करते हुए पहले प्रकाशित किया और भोजन के अभाव वाली भुखमरी वाली रपट को बाद में जारी किया। संभव है कि संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा सोचा भी ना हो और इन रपटों के आगे और पीछे होने का कारण महज कोई तकनीकी अवरोध, अड़चन या उन समितियों की कार्यप्रणाली रही हो जो इन्हें तैयार करती है, क्योंकि रपटों के प्रकाशन की प्रक्रिया से कई मानवीय, तकनीकी और यांत्रिक पहलू भी जुड़े होते हैं। पर यह सच है कि कहीं ना कहीं भोजन के अभाव का संबंध जो है भोजन की बर्बादी से है। हालांकि भोजन के अभाव के अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, पर इस समस्या की शुरुआत भोजन की बर्बादी से ही होती है। इसलिए अगर भोजन की बर्बादी 100% रोक दी जाए तो भोजन के अभाव की समस्या के बहुत बड़े हिस्से का निदान हो जाएगा। लगभग 28 देखिए अभी अप्रैल के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में, रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में बताया गया कि विश्व भर के कुल 59 देशों के लगभग 28.2 करोड़ लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के अनुसार युद्धस्त गाजा पट्टी जहां पे फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य में युद्ध चल रहा है करीब 8 महीनों से, तो गाजा पट्टी और सूडान में बिगड़े खाद्य सुरक्षा के हालात के कारण 2022 में 2.4 करोड़ से अधिक लोगों को भूखे रहना पड़ा। गौरतलब है कि भोजन के अभाव को लेकर रिपोर्ट जारी करने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने जो है वर्ष 2016 में की थी, तो ये फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। गौर करें तो पहली रिपोर्ट की तुलना में ताजा रिपोर्ट में भूखे लोगों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हो चुकी है, जबकि जैसे जैसे हम वृद्धि कर रहे हैं, समृद्धि कर रहे हैं, वैसे वैसे ये संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। साथ ही खाद्य सामग्री के अभाव में भूख से तड़पने
वालों की यह संख्या अब तक की सर्वाधिक है, मतलब जो हमारा विकास जो लगातार हो रहा है, जो उसको हम लोग दिखाते हैं आंकड़ों के माध्यम से, वो समावेशी नहीं है, उससे यही सिद्ध होता है। हालांकि भूखे रहने का कारण गरीबी और बेरोजगारी भी हो सकती है, जो भोजन के अभाव और भूख से संबद्ध भारतीय परिदृश्य में बिल्कुल सार्थक और सटीक प्रतीत होती है। बहरहाल भुखमरी की समस्या का विश्लेषण करते हुए विश्व भर के विशेषज्ञों ने भूख को समझने के लिए पैमाना निर्धारित किया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो के अनुसार इसके कुल पांच चरण हैं। इनमें भूख से सर्वाधिक पीड़ित लोगों को पांचवें चरण में रखा गया है, जिसके अंतर्गत भारत समेत पांच देशों के 70,05,000 लोग शामिल किए गए हैं। इन 70 लाख में से 80% यानी 57,07,007,000 लोग तो अकेले युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में है। गौरतलब है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भुखमरी के शिकार 125 देशों की सूची में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि हमारे पड़ोसी देश चाइना की यदि बात करें तो वहां पर भुखमरी कोई समस्या ही नहीं है, जबकि उनकी आबादी हमसे कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए कि 21वीं सदी में पहुंचकर भी हमारे देश की पहचान भुखमरी से पीड़ित लोगों वाले देश के रूप में हो रही है, जबकि दुनिया और हम दूसरी ओर हम दुनिया के तमाम विकसित देशों के समानांतर तमाम अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों को अंजाम तक पहुंचाने तथा रक्षा उपकरणों के निर्माण और निर्यात समेत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आज हमारी विदेश नीति, कूटनीति, रक्षा प्रणाली और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक अवदानों को दुनिया भर में स्वीकृति मिल रही है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य शीघ्र ही कुछ वर्षों के भीतर दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। मार्च के अंत में, मतलब मार्च 2024 के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र की अधीनस्थ इकाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की खाद्य बर्बादी सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में कहा गया कि रोजाना दुनिया में जितने लोग भूखे सो जाते हैं उससे कहीं ज्यादा अनाज बर्बाद हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका होटल और रेस्टोरेंट वाले निभाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर कुल अनाज जो है उत्पादन का 19% यानी लगभग 19% जो है अनाज जो है बर्बाद हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार खेत से थाली तक पहुंचने में 13% अनाज बर्बाद हो जाता है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की खाद्य बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट 2030 तक खाद्य बर्बादी को आधा करने के लिए देशों की प्रगति का विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अनाज की बर्बादी को रोक लिया जाए तो दुनिया से भुखमरी की समस्या समाप्त हो सकती है, क्योंकि अभी दुनिया में रोजाना 78.3 करोड़ लोग गंभीर भूख का सामना करते हैं, जबकि 1 अरब लोगों का खाना बर्बाद हो जाता है, मतलब जो खाना बर्बाद हो रहा है वो भूखे लोगों से ज्यादा है। तो शोधकर्ताओं के अनुसार प्रति व्यक्ति लगभग 79 किलोग्राम प्रतिवर्ष भोजन बर्बाद हो जाता है, जो दुनिया भर में प्रतिदिन बर्बाद होने वाले कम से कम 1 अरब लोगों के भोजन की थाली के बराबर है। देखा जाए तो भोजन की बर्बादी एक वैश्विक त्रासदी है, जिसे रोका जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह समस्या न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता को या के नुकसान के लिए भी जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।